कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ जहां एयरपोर्ट और भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं जिला अस्पताल भी इस वायरस से निपटने के लिए मुस्तैद है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में 10 फीट का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां इस बीमारी से ग्रसित लोगों का उपचार किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि चीन से भारत में आने वालों की संख्या अब तक 46 है, जो केंद्र सरकार को 46ों की सूची भेज दी गई है, जिसमें 4 लोग अन्य जगहों के हैं। अधिकतर लोग गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं, जिनका नाम पता है। लोगों की जांच भी की गई है, जो सब नॉर्मल था, लेकिन उन्हें घर से 14 दिन तक परिवार से दूर रहने के लिए कहा गया है और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहेंगे। आइसोलेशन वार्ड में रहेंगे क्योंकि इसका लक्षण 4 से 5 दिन में पता चलता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी और डॉक्टर बीके सुमन ने बताया कि अफेक्ट से चाइना से आए हुए लोग जो चाइना के अन्य शहरों में थे, वुहान सिटी में नहीं थे, वो हमारे यहाँ 46 लोग आए हैं। 40 की लिस्ट कल भारत सरकार से हमें प्राप्त हुई है और 6 पहले से आए हैं, जो हमारे 4 केसेस हमें गोरखपुर एयरपोर्ट से मिले थे और 2 केसेस की सूची यूपी गवर्नमेंट ने, IDSP डिपार्टमेंट ने हमें दिया था। इन 46 लोगों को हम लोग सबको ट्रेस कर लिए हैं। जो कल 40 की सूची आई थी, उनमें 2 लोग फैज़ाबाद और पीलीभीत के निकले हैं, वो हमारे यहाँ के नहीं हैं, वो बाय द वे सूची में शामिल हैं। जो अन्य लोग हैं, उनका एड्रेस गोरखपुर का ही है और उसमें से 3 लोग दिल्ली और अन्य शहरों में हैं, इलाज करा रहे हैं, जहाँ से उनके परिवार वाले ने बताया कि वहाँ हैं। वहाँ के हेल्थ अथॉरिटीज़ को हम लोगों ने मेल कर दिया, सूचित कर दिया है। बाकियों की हम डेली फॉलोअप कर रहे हैं। कुछ लोग 30 तारीख को आए हैं, कुछ 31 को आए हैं, कुछ पहली को आए हैं। 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच कोई भी ट्रैवलर चाइना ट्रेवल करते हुए या चाइना को टच करते हुए, जैसे मलेशिया से आया, होपिंग फ्लाइट थी और चाइना में उतरा, चाइना से फिर दूसरी फ्लाइट से आए, ऐसा कोई ट्रैवलर 2 तारीख से नहीं आया। इन सारे ट्रैवलर्स को हम लोग चेक किए हैं, सब एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनके कोई सिम्टम नहीं है। इसमें केवल 3 सिम्टम के आधार पर WHO की जो फ्लो चार्ट गाइडलाइंस आई हैं, पहला तो खांसी, बुखार और तीसरा सांस फूलना। अगर इन तीनों में से कोई भी सिम्टम मिलता है तो उसे हमें क्वारंटाइन करना है हॉस्पिटल। जो संज्ञान में है कि कोरोना वायरस जो है उस तरह के संक्रमण चीन के वुहान शहर में फैला है, वहाँ से तक काफ़ी, मतलब ये एक वन टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये इसके संक्रमण से तमाम तरह की परेशानी में से खांसी है, जुकाम है, बदन दर्द है, गले में खराश है, इस तरह की सिम्टम्स आ रहे हैं। और इस तरह के मरीज तो हमारे अस्पताल में नहीं है, और कॉमन जो वायरल इन्फेक्शन है उसके मरीज आ रहे हैं। और इस तरह के मरीज जो चीन से, जो देश से आ रहे हैं और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में या कहीं भी, तो उस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि इस तरह के लक्षण के लोगों को आइसोलेट करके और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है। अगर इस तरह के लक्षण उसमें पाए जा रहे हैं और उसमें जांच में पता चल रहा है कि ये कोरोना वायरस से ग्रसित है, तो उनका अलग आइसोलेशन वार्ड बनाई गई है, उसमें रख करके उसका इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है और तमाम उसकी जो परहेज की जा रही है, रक्षा और प्रोटेक्शन लिया जा रहा है। अगर इस तरह कोई भी मरीज आ रहा है जिसमें सर्दी, जुकाम, बुखार है, आँख से पानी, नाक से पानी आ रही है, फीवर है, तो उसको ये सलाह दी जा रही है कि आप मास्क लगा के रखें और कॉमन प्लेस में न जाएं जहां आम आदमी है,
जिससे कि छींकने खांसने से उसको इस तरह की परेशानी होती है। और लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप कोई भी मरीज अगर है या किस तरह के ग्रसित है तो अपने हाथ को साबुन से धोएं, और अगर आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, इस तरह की परेशानी, तो तत्काल जो है सरकारी चिकित्सालय में आप कॉन्टेक्ट करें, वहाँ इलाज कराएँ और अपना जो है सुरक्षित रहें औरों को भी सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस से संबंधित कुछ मरीजों को टेस्ट भी है। कोरोना वायरस संबंधित मरीजों के एक सौ ब्लड से रिलेटेड एक थ्रोट स्वाब ले जाती है, लेकर के उसे जांच करा के उसके बाद जो है उसको डायग्नोसिस बनाई थी कि हाँ इसे वो सफर है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पिछले पाँच दिन में लगातार बताया जा रहा है कि 40 पेशेंट आए हैं चीन से गोरखपुर में, कुछ ऐसे संपर्क में आपको भी आए? नहीं।